हमारे पास इस बार वर्ष है 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सेकंड सेशन होता है कलकत्ता में, इसलिए से कहा जाता है कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष है हमारे पास, ये होते हैं दादा भाई नेहरू जी। तो दोस्तों कौन होते हैं इनके अध्यक्ष? दादा भाई नेहरू जी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, किसके द्वारा हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बैनर्जी। और इसकी मीटिंग कहां पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मैंने आपको कहा था कि अब हर वर्ष इसकी क्या होनी है? मीटिंग होनी है, अधिवेशन होना है। तो इसका दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष होते हैं कौन? दादा भाई नेहरू जी। कौन होते हैं? दादा भाई नेहरू जी। देखिए ये जो नाम है दादा भाई नेहरू जी, इस मीटिंग में ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट्स आते हैं, अपने बारे में डिस्कशन करते हैं और कांग्रेस को जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें वो नोट की जाती है। अब देखिए दोस्तों, नाम क्या है दादा भाई नेहरू जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इनसे रिलेटेड पहला सवाल बनता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता था। ठीक है जी, क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन, इन्हें कहा जाता था भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता था? दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखिए इन्होंने ना एक किताब लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब का नाम होता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने बताया है भारत के इकोनॉमिक के बारे में कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की वेल्थ को खत्म कर दिया था, उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है कहां से? इनकी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया से। ठीक है जी, इन्होंने इस किताब में जो मेन बातें कही हैं, इन्होंने कहा वेल्थ ड्रेन, मतलब होगा संपत्ति चली गई। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत का जितना भी संपत्ति थी उसको ये यहां से लेकर चले गए। और जो सवाल इनके बारे में बनता है, ये भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं। तो ये भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में और उसमें जीतते हैं और उसके सदस्य बनते हैं। तो ये सारी की सारी बातें किनके बारे में होती है? दादा भाई नेहरू जी के लिए। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन इस